हेलो दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक्सपोनेंशियल लर्निंग अकाउंट में जो क्वीज रन होती है, उस क्वीज का ही मैथमेटिक्स सेक्शन का एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्सपोनेंशियल लर्निंग का पेज फॉलो या लाइक नहीं कर रखा है तो सबसे पहले वो कर लें, ताकि आपको उस क्वीज के बहुत सारे PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको उसी के कमेंट सेक्शन में एक या दो दिन बाद मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाके वो लाइक या फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आज आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो लॉगरिथम चैप्टर्स का है, मैथमेटिक्स का, तो इसके लिए थोड़े बहुत लॉगरिथम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये क्या लिखा हुआ है, SQRT log x base 2। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई है log x base 2 होल रूट। SQRT मींस मतलब मैंने उसका स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, ओके, अच्छा 0.5 को मैं लिख रहा हूँ हाफ, 1/2 लिख देते हैं, देन log SQRT x, ये लिखा हुआ है आपके सामने रूट x बेस 2। ठीक है, अच्छा अब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसमें मैंने 2 LCM लिया है, तो दिस विल बिकम log x बेस 2 माइनस 1 इक्वल टू log रूट x बेस 2। ठीक है, इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगी। ठीक है, अच्छा अब एक छोटा सा जो बेसिक कंसेप्ट है लॉगरिथम का, आपको पता होगा कि अगर log m रेज़ टू पावर n log बेस a, ठीक है, अगर नंबर में पावर के फॉर्म में दिया हुआ नंबर, ठीक है, तो जो भी नंबर की पावर है वो कहाँ पे आ जाती है, log के आगे आ जाती है। ठीक है, log, तो इस चीज को लिख सकते हैं अपन n मल्टीप्लाइड बाय log m बेस a। ठीक है, ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। ठीक है, बट कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के साथ ही आप इसको यूज कर सकते हैं। वो कंडीशन अगर आपने लॉगरिथम चैप्टर्स बहुत डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगी। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है तो हम जो वीडियो बनाने वाले हैं लॉगरिथम की, ठीक है, वहां पर आप उसको आराम से समझ सकते हैं। ओके, अच्छा तो चलो इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये जो 2 आगे लगी हुई है लॉग की, वो कहाँ चली जाएगी, इसके नंबर की पावर में आ जाएगी, और नंबर क्या है आपका रूट एक्स, तो रूट एक्स मैं आप लिख देता हूँ आपको, तो रूट एक्स बेस 2, ये जो भी नंबर था वो कहाँ पे आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ दिस विल बिकम रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स 2। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो था आपका लॉग एक्स बेस 2 माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि लॉग एक्स बेस 2 यहाँ पर भी है और रूट के अंदर भी क्या है, लॉग एक्स बेस 2। तो मैं एक काम करता हूँ, इस लॉग एक्स बेस 2 को एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ। ठीक है, तो अपन चीज कंसिडर करते हैं कि लेट लॉग एक्स बेस 2 इज अल्फा। ठीक है, मैंने इसको अल्फा मान लिया। अच्छा, तो अब ये जो यहाँ पर मैं इसको अल्फा पुट कर दूंगा, तो नाउ दिस इक्वेशन बिकम 2 इनटू रूट अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। ये क्या रहा आपका, अल्फा है। ठीक है, एक काम करते हैं, माइनस 1 को इधर ले जाते हैं, तो 2 रूट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूं मैं। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो दिस विल बिकम 4 अल्फा एंड दिस विल बिकम अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, आगे और इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1। ठीक है, इस 4 अल्फा को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा पॉजिटिव एंड माइनस 4 अल्फा, तो ये माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अच्छा अब आपको इसको पता ही है कि ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 लिखा हुआ है, अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, थोड़ा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको अल्फा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अल्फा की वैल्यू 1 मिली और अल्फा मैंने क्या माना था, लॉग एक्स बेस 2। एक्चुअली मुझे ये लॉगरिथम इक्वेशन है और इस लॉगरिथम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसने क्या पूछा, x इक्वल्स x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो यहाँ से ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, अब लॉगरिथम फॉर्म को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, जो भी बेस है ठीक है उसकी पावर में ये इक्वल्स टू वाला चला जाता है एंड दैट विल बिकम इक्वल्स टू x log का नंबर। ठीक है, तो ये जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगी वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1, सो दैट मींस x इज इक्वल टू 2। तो अपने इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और इसका आंसर कितना आ रहा है, x इक्वल टू 2। अच्छा अब जो ऑप्शन है उसके साथ मैच करते हैं, as such 2 इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो ऑड इंटीजर गलत हो गया। ओके, इरेशनल नंबर वैसे भी नहीं होता, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। हम जैसे कि जानते हैं कि पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है और वो क्या होता है, 2। सो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है आपका डी ऑप्शन, प्राइम नंबर। थैंक यू।